हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ग्रुप बाय शालिनी। आज मैं आप सबके साथ क्लास टू की ईवीएस बुक, बुक नेम इज कॉलिंस बम्बल बी का चैप्टर 8 वाटर इन आवर लाइव्स की कंप्लीट बुक एक्सप्लेनेशन को इस वीडियो की हेल्प से शेयर कर रही हूँ। चैप्टर वाटर इन आवर लाइव्स, इसकी मीनिंग क्या है? हमारे जीवन में पानी, मतलब हमारे लाइफ में हम लोगों के लिए वाटर जो है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है, वाटर की क्या नीड होती है, वाटर के क्या यूजेस होते हैं, सोर्सेज ऑफ वाटर क्या हैं, इन सब के बारे में इस चैप्टर में हम देखेंगे। और किड्स को अच्छी तरह से हम इनकी इम्पॉर्टेंस को एक्सप्लेन कर पाएंगे। गेट गोइंग चैप्टर के स्टार्टिंग में यहाँ पर लुक एट द पिक्चर एंड फाइंड देयर नेम्स इन द वर्ड ग्रिड। यहाँ पे वर्ड ग्रिड बना हुआ है और पिक्चर्स बने हैं। पिक्चर्स में जो भी नाम दिए हैं उनको इस वर्ड ग्रिड में सर्च करना है। फर्स्ट इज वेल, आप किड्स को बोलिए कि वो यहाँ पे उसको सर्कल करें। वेल, WELL, वेल। रिवर, RIVER, रिवर। नेक्स्ट लेक, दिस इज लेक, LAKE, लेक। वर्ड ग्रिड से बच्चों को उनके स्पेलिंग्स को लर्न करने में काफ़ी हेल्प मिलती है, इसलिए आप इस तरह की एक्सरसाइज आप किड्स से ज़रूर कराइए। नेक्स्ट इज सी, SEAC। चलिए चैप्टर की हम मीनिंग को देखते हैं। वेयर इज इम्पॉर्टेंट, वाटर इज इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग थिंग्स। पानी जो क्या है वो सबके लिए, लिविंग थिंग्स के लिए बहुत ही जरूरी होती है, इम्पॉर्टेंट होती है। एनिमल्स नीड वाटर टू ड्रिंक एंड बाथ। एनिमल्स नीड वाटर, एनिमल्स को भी पानी की नीड होती है पीने के लिए, ड्रिंक करने के लिए, और बाथ मीन्स नहाने के लिए। प्लांट्स यूज वाटर टू मेक देयर फूड, और प्लांट्स को भी वाटर चाहिए होता है जिससे कि वो अपने फूड को बनाते हैं। सोर्सेज ऑफ वाटर, सोर्सेज ऑफ वाटर की मीनिंग होती है कि पानी हमें कहाँ से मिलता है, पानी का सोर्स क्या है, हमें पानी कहाँ से मिलता है। रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। बारिश जब होती है तो हमें उससे पानी मिलता है, जो हमारे पृथ्वी पर मेन सोर्स है वाटर का। रेन वाटर कलेक्ट इन पडल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, सीज एंड ओशियंस। रेन वाटर जो है वो कहाँ जाके इकट्ठा होता है, कलेक्ट होता है? पडल्स में, पॉन्ड्स में, लेक्स में, रिवर्स में, समुद्र में और महासागर ओशियंस में। रेन वाटर ये जितने भी रेड और ब्लू से वर्ड्स लिखे हैं, आप चैप्टर में जहाँ भी ये वर्ड्स हैं आप इनकी बच्चों को वर्ड प्रैक्टिस ज़रूर कराइए। एज अ ट्यूटर मैं भी बच्चों को ये सारे वर्ड्स को डिक्टेट कराती हूँ जिससे कि उनको स्पेलिंग लर्न हो जाए। रेन वाटर दैट कलेक्ट डीप अंडर द ग्राउंड वाटर, रॉक, सैंड एंड क्ले इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर क्या होता है? बारिश का जो पानी होता है वो धरती के नीचे, जमीन के अंदर जो है वो चट्टानों के बीच में जाकर के वो इकट्ठा हो जाता है, वो ग्राउंड वाटर होता है। वेल्स आर डग डीप इनटू द ग्राउंड टू गेट, जब हम गेट ग्राउंड वाटर, जब कुएं बनाए जाते हैं उनको बहुत ही अंदर तक, डीप इनटू ग्राउंड, जमीन के बहुत अंदर तक उनको गड्ढा किया जाता है, तब ग्राउंड वाटर मिलता है। ए रोप इज टाइड टू ए बकेट एंड वाटर इज ड्रॉन फ्रॉम द वेल। एक रस्सी से बकेट को बांधा जाता है, बाल्टी को, और कुएं में से पानी को निकाला जाता है।
ग्राउंड वाटर इज ऑल्सो पम्प्ड यूजिंग हैंड पम्प आर ए ट्यूब वेल। और ग्राउंड वाटर हमें दो तरीक़ों से और मिलता है, एक तो देखिए ये हैंड पाइप की हेल्प से और दूसरा ट्यूब वेल जो कि विलेजेस में उनका यूज़ किया जाता है। आगे देखते हैं यूजेज ऑफ वाटर, पानी के क्या क्या यूजेज हैं, उनको हम कैसे यूज़ में लेते हैं, इस्तेमाल करते हैं। वी यूज़ वाटर इन आवर डेली लाइफ्स फॉर मैनी थिंग्स। हम पानी को डेली अपने लाइफ में यूज़ करते हैं बहुत तरीके से। फर्स्ट इज़ देखिए पिक्चर में कुकिंग, वॉशिंग एंड क्लीनिंग, हमें कुछ भी धोना होता है, क्लीन करना होता है, हम वाटर से करते हैं, हम बाथिंग भी वाटर से करते हैं। पुटिंग आउट फायर, आग भी हम कैसे बुझाते हैं, पानी से। वाटरिंग प्लांट, प्लांट्स को भी पानी देते हैं। मेकिंग इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी भी पानी से बनाई जाती है। कैन यू थिंक ऑफ मोर यूजेस ऑफ वाटर, और भी आप तरीके जानते हैं पानी को कैसे यूज़ किया जाता है। स्टोरिंग वाटर, स्टोरिंग वाटर मीन्स हम पानी को कैसे स्टोर करते हैं, इकट्ठा करते हैं। वी नीड टू स्टोर वाटर टू कीप इन फॉर लेटर यूज़। हम पानी को क्यों स्टोर करते हैं, कीप इन फॉर लेटर यूज़, बाद में हमें जब अगर उसकी ज़रूरत हो, इसलिए हम पानी को स्टोर करते हैं। स्टोर्ड वाटर कैन बी यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग एंड वॉशिंग। स्टोर किए हुए पानी से हम क्या करते हैं, पीते हैं, कुकिंग करते हैं और धुलाई करते हैं, वॉशिंग करते हैं। ड्रिंकिंग वाटर कैन बी स्टोर्ड इन जग्स, अर्थन पॉट्स एंड बॉटल्स। पीने का पानी हम जग्स में रखते हैं और अर्थन पॉट मिट्टी के घड़ों में और बॉटल्स में भर के रखते हैं। वाटर फॉर बाथिंग एंड वॉशिंग इज स्टोर इन प्लास्टिक बकेट्स। और नहाने के लिए हम देखिए प्लास्टिक के बकेट में या स्टील बकेट्स में, ड्रम्स में और टैंक्स में पानी को स्टोर करते हैं। आगे है ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी। ड्रिंकिंग वाटर शुड बी क्लीन, इट इज़ आल्सो यूज्ड फॉर कुकिंग। पीने का पानी हमेशा साफ होना चाहिए, इट इज़ आल्सो यूज्ड फॉर कुकिंग फूड। और साफ पानी से ही खाना बनाया जाता है। क्लीन वाटर डज नॉट हैव एनी टेस्ट, क्लीन वाटर का कोई भी टेस्ट नहीं होता। कलर आर स्मेल, ना ही उसका कोई कलर होता है, ना उसमें कोई स्मेल होती है। वाटर फ्रॉम द टैप इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, इट शुड बी बॉइल्ड। नल के पानी को पीना सही नहीं होता है, जब भी हम पानी पिए इट शुड बी बॉइल्ड, हमें पानी को बॉइल करके पीना चाहिए। आर फिल्टर्ड बिफोर ड्रिंकिंग बॉइल्ड किल्स जर्म्स, या हम फिल्टर वाटर को पी सकते हैं। बॉइलिंग किल्स जर्म्स प्रेजेंट इन वाटर, बॉयल करने से क्या होता है, पानी में जो जर्म्स होते हैं वो मर जाते हैं। वी शुड स्टोर ड्रिंकिंग वाटर इन कवर्ड कंटेनर्स, और पानी को हमेशा हमें ढक करके ही स्टोर करना चाहिए। आगे है सेविंग वाटर, पानी को हमें सेव करना चाहिए, बचाना चाहिए। वी शुड नॉट वेस्ट वाटर, वी कैन सेव वाटर इन द फॉलोइंग वेज, हमें पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए और हमें इन तरीकों से पानी को सेव करना चाहिए। फर्स्ट इज क्लोज द टैप वाइल एंड आफ्टर ब्रशिंग आवर टीथ, जब भी हम ब्रश करते हैं हमें नल को बीच बीच में बंद कर देना चाहिए, नहीं कि नल खोल करके हम ब्रशिंग करें। डोंट वेस्ट वाटर वाइल बाथिंग, नहाते समय भी नल को बंद करना चाहिए, जब यूज़ हो तभी खोलना चाहिए। रिपेयर लीकिंग पाइप्स एंड टैप्स, अगर कहीं भी पाइप लीक कर रही है, उसमें से पानी गिर रहा है टैप्स में से या पाइप से, तो उसको रिपेयर कराना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कीपिंग वाटर क्लीन, पानी को हमेशा साफ रखना चाहिए। वी मस्ट कीप वाटर क्लीन, हमें हमेशा पानी साफ रखना चाहिए। वाटर विच कंटेन्स जर्म्स मेक अस सिक, क्योंकि पानी अगर गंदा होगा तो हम बीमार होंगे उसको यूज़ करने पे। वी कैन कीप वाटर क्लीन इन द फॉलोइंग वेज, हम इन तरीकों से क्या करेंगे पानी को क्लीन रख सकते हैं। फर्स्ट इज डोंट बाथ आर वॉश क्लॉथ्स इन रिवर आर पॉन्ड्स, पॉन्ड्स में हमको ना नहाना चाहिए ना कपड़े धोना चाहिए। डोंट थ्रो वेस्ट आर गार्बेज इन टू वेस्ट बॉडीज, सॉरी वाटर बॉडीज, हमें वेस्ट को, गंदगी को
गार्बेज को, कूड़े को कभी भी पानी में, वाटर बॉडीज मतलब रिवर या पॉन्ड्स में नहीं डालना चाहिए। डोंट अलाउ वाटर, वेस्ट वाटर टू ड्रेन इन टू द रिवर आर लेक्स। और हमें गंदे पानी को भी नहीं बहाना चाहिए रिवर में या लेक्स में। एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ कीपिंग वाटर क्लीन टू आवर फैमिली एंड फ्रेंड्स। और हमें एक दूसरे को या अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली में पानी की क्या कीमत है, उसकी क्या इम्पॉर्टेंस है, हमें ज़रूर बताना चाहिए। यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। ये वीडियो अगर आपके किड्स के लिए हेल्पफुल हो, प्लीज़ शेयर माय वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।